प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ सिंघा रॉय जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती भी जुड़ रहे हैं। कुंतल, सबसे पहले तो मैं बंगाल की धरती से अपडेट चाहूंगी इस पूरी खबर पर, और उसके बाद मैं मेहमानों का रुख करूंगी। देखिए, तीन सदस्यीय की जो डेलीगेशन है वो अब से 10 मिनट के बाद चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। कब वो जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल सुदीप जैन चुनाव उपायुक्त वो बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिन का बंगाल दौरे पर वो आ रहे हैं, और जो अलग अलग जिलों में जो डीईओ है जो इलेक्शन करवाएंगे, इसके आगे जो पुलिस सुपर्स है या पुलिस कमिश्नर्स है, जो डीएम है अलग अलग जिलों में, ऐसे तीन जिलों के चौदह डीएम और पुलिस सुपर से वो मिलने वाले हैं। कोलकाता के एक 5-स्टार होटल में 3 दिन का दौरा रहेगा। इसके आगे मालदा जाएंगे और सिलीगुड़ी जाएंगे सुदीप जैन, और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का आरोप सामने आ रही है बीजेपी द्वारा वो कितना सच है, कितना सही है, और वो एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी सबके सामने रखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं है। ठीक, बहुत ही एक अहम दौरा है उनका। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी कल आ रहे हैं डिप्टी इलेक्शन कमीशन सुदीप जैन जी, पूरा दौरा करेंगे, तमाम पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे डिटेल्ड, और उसको फिर चुनाव आयुक्त को वो सौंपेंगे, उसके बाद चुनाव आयुक्त वो फैसला लेंगे। ऐसे में इतनी क्या जल्दबाजी कि आज ही एक टीम चुनाव आयोग जा रही है? इसमें जल्दबाजी का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव पूर्व हिंसा से ग्रस्त किया गया है बंगाल को, उस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट, उसके बारे में सूचना जानकारियां निर्वाचन आयोग को देना हमारा संवैधानिक दायित्व है, और उसका निर्वाह कर रहे हैं। इसमें किसी को आपत्ति होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। बंगाल में निष्पक्ष और हिंसा विहीन चुनाव हो, यह तो हर कोई चाहेगा, यही अपेक्षित है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में जो अपेक्षित है, अगर उस प्रक्रिया में हम योगदान कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, सोमनाथ सिंघा रॉय जी, आपत्ति क्यों हो रही है टीएमसी को? ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो चाहते हैं कि हिंसा मुक्त चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, इसमें क्या गलत कर रही है बीजेपी? कहां पर आपत्ति है? आपत्ति तो नहीं किया। अरे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है इलेक्शन कमीशन, ममता बनर्जी कह रही है कि ये खुद ही अपने नेताओं पे हमला करवा रहे हैं, ये खुद ही हिंसा भड़का रहे हैं, टीएमसी को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। ये चीज अलग है, और आज इलेक्शन का नहीं मैम, ये चीज अलग है, इसको लेकर डिबेट हो सकते हैं, लेकिन आज जो अभी आपने बताया इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है बीजेपी, इसका आपत्ति है? आपत्ति नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी जा सकते हैं मैडम, ऐसा नहीं है। बीजेपी जा रहा है, प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर है, डेफिनेटली कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमिश्नर के साथ। मैं आपको रोक रही हूँ सोमनाथ जी, समय बड़ी खबर आ रही है, और बंगाल के मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के नेता हैं, सोमनाथ सिंघा रॉय जी टीएमसी समर्थक है। सोमनाथ जी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, बीजेपी आज शिकायत करने जा रही है, क्या सच में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी स्थिति है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने की स्थिति में है बंगाल सरकार? नहीं, एक्चुअली ये लोग, मैं प्रेम शुक्ला जी है यहाँ पर, उसको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, 2016 इलेक्शन बीजेपी नहीं था, बीजेपी तो ये बाम फ्रंट का डर से यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करते थे, ममता बनर्जी सामने आके पॉलिटिक्स करते थे इसको हटाने के लिए। फिर भी 2016 इलेक्शन में जब जोट हुआ था कांग्रेस और सीपीएम, यहाँ पर सीपीएम का जो लीडर था सूर्यकांत मिश्रा ने वो बोला था छक्का मार दिया हम लोगों ने इलेक्शन का दिन में, इसका मतलब बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, वो लोग जीतेंगे। इसका बात क्या दिखाया गया, हम लोग जीता 200 से ज्यादा। 2019 इलेक्शन नहीं, 2019 इलेक्शन बीजेपी ने 18 से जीता है यहाँ पर, हिंसा का एक भी बात वो लोग नहीं किया, एक अगर करता तो डेमोक्रेसी नहीं रहते तो उन लोग को 18 सीट कैसे। आज की बात कीजिए ना, इलेक्शन का टाइम 2011 की बात कीजिए ना, सोमनाथ जी माफ कीजिए, सोमनाथ जी आज की बात कीजिए ना, आज का बात ही कर रहा हूँ ना मैम, लगातार जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से हमला बोला गया, इसको आप सही मानते हैं? मैडम, क्या आप फिर भी कहेंगे कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है बंगाल में? नहीं 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 मैम, आप मैं बता रहा हूँ, आप टीवी आपका चैनल में मैं ये पहली बार नहीं आ रहा हूँ, हर रोज आ रहा हूँ,
अब प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हैं, उसको भी मालूम है मैं इसका खिलाफ हूँ, मैं इसके अगेंस्ट में बोला था, 15 आदमी को अरेस्ट किया, मैंने बोला था इसमें जांच हो रहा है, अभी जो भी जो अगर बीजेपी पार्टी ने ये नाटक किया वो भी गलत किया, अगर तृणमूल कांग्रेस वाले ने हमला किया वो भी गलत किया, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैम, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ जो तरीका बीजेपी वाले ने बंगाल को दखल करने के लिए कर रहा है वो सही नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जिस भी राज्य में चुनाव होता है, विकास, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा व्यवस्था, बाढ़ व्यवस्था, इस सब से इतर एक अलग सा मुद्दा खड़ा हो जाता है, एक अलग नैरेटिव पर बात होने लगती है। क्या बीजेपी जिम्मेदार या विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार, टीएमसी जिम्मेदार? देखिए हम तो विकास की ही बात करते हैं, हम तो बंगाल में भी जाकर यही कह रहे हैं कि साहब आयुष्मान भारत की योजना न लागू करने से वहां गरीबों को नुकसान हो रहा है, हम तो यही कह रहे हैं भाई पीएम किसान योजना न लागू होने से बंगाल के किसानों को हानि हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल क्या विकास की बात कर रहा है? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के काफिले पर हमला, ये किसने किया, क्यों किया और उसमें लापरवाही क्यों हुई और लापरवाही करने वाले अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने का कारण क्या है, ये सारी चीजें बताती हैं कि आप विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विकास हुआ है तो उस विकास का हिसाब देना जनता पे, बीजेपी जो है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन टीएमसी है जो लगातार हिंसा करती आ रही है। अब जनता को तय करना है बंगाल की धरती पर क्या होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के।